तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि जो कि आपके काम और सारे समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला ट्रिक मेरा इस तरह से भगोने को लेके है। तो क्या होता है कि हम जब इस तरह से भगोने में दूध उबाल लेते हैं या पैन में उबालते हैं, तो दोस्तों इस तरह से हमारा काफ़ी दूध भी है और मलाई भी, चिकनाई भी, इस तरह से हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसको ख़राब ना करें, नुकसान ना करें, इस तरह से आटा डाल के हम लगा लेंगे तो जितना भी इसमें लगा रहेगा सारा आटे में ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये है ना बहुत ही कमाल का आइडिया, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया ही मेरा इस तरह से नाखून कटर को लेके है। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से नाखून कटर से तो सिर्फ हम नाखून काटने में ही इस्तेमाल करते हैं क्या, और हमने किसी चीज़ में इस्तेमाल किया है? जी नहीं दोस्तों। तो चलिए आज हम नाखून कटर से सुई में धागा डालेंगे। तो धागा डालने के लिए हम मार्केट से ले आते हैं इतनी महंगी महंगी चीज़ें, अब पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका बिना एक रुपए खर्च करे हुए आप घर में छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर बना लीजिए। देखिए बिजली वायर तो ये हम सभी के घर में होता है, बस उसका एक पतला सा तार ले लेना है। बस नाखून कटर के ऊपर इस तरह से रखते हुए आप अच्छी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, रफ कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से नाखून कटर से इस तरह से धागा डाल सकते हैं आप। जिसकी आई साइड वीक हो रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस तरह से धागा डालने में। तो चलिए इस तरह से हम आज नाखून कटर में धागा डालेंगे। तो ये जिस तरह से कि मैंने लगा लिया है और मैं इसको अच्छी तरह से कर देती हूँ कि जो हम सुई में डालेंगे इस तरह से इसके अंदर पास हो जाए। तो देखिए बहुत इजी तरीके से ये चला भी गया है, तो मैं आपको पास से करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से धागे से मैं इसमें डालने के बाद अब मुझे करना क्या है, सुई को निकाल लेना है थोड़ा यहाँ हाथ लगाते हुए। बस बहुत इजी तरीके से ये धागा चला जाता है, ना ही कोई प्रॉब्लम होता है, ना ही कोई दिक्कत होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है नाखून कटर के हेल्प से। अब मैं दूसरा भी ट्रिक बताती हूँ जिसकी आई साइज ज़्यादा ही वीक है। तो क्या करना है, हमें आटा ले लेना है और धागे के ऊपर इस तरह से हमें इसको रफ़ कर लेना है। तो देखिए मैंने रफ कर लिया है, इसको एक से दो सेकंड छोड़ देंगे तो इसमें थोड़ा कड़ापन आ जाएगा। तो बस अब आपको करना क्या है, इस तरह से जब कड़ापन आ गया तो इस तरह से आप इसमें डाल देंगे। अब बहुत इजी तरीके से इस तरह से धागा चला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी इसमें धागा चला गया है। अब मैं इसको थोड़ा सॉफ्टी डाली थी, तो चलिए इसी तरह से मैं इसको थोड़ा, इसका जो मैंने बताया था पहले कि इसका नोक अगर ज़्यादा निकला हुआ है इसको अच्छी तरह से कैंची से काट के डालेंगे तो बहुत तेज़ी तरीके से चला भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया भी इस तरह से हमारे नाखून कटर को लेके है। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से हमारे बच्चे घर में नाखून कटर ले लेते हैं और कहीं ना कहीं बैठ के इस तरह से नाखून काटना चालू कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल भी ना दे। तो देखिए मैंने ये टेप ले लिया है, जो भी टेप आपके पास है, लेकिन मैं जानबूझ के काला टेप लगा रही हूँ कि ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस तरह से टेप लगाने से होता क्या है। तो देखिए मैंने इस तरह से टेप लगा लिया है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आप सभी को ज़रा से भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है और बस इसको अच्छी तरह से मैंने दबा दिया है। बस हमारे बच्चे जो भी घर में नाखून काट रहे हैं उनको आप दे दीजिए, ना ही आँख में जाने का झंझट है और ना ही कहीं इधर उधर छटकने का दिक्कत है। तो चलिए मैं काट के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं अपने बेटे का नाखून कटिंग कर रही हूँ। देखेंगे जितना भी नाखून काट रहे हैं सारा ये नाखून कटर के अंदर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसी तरह से काफ़ी नाखून, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ये छोटा छोटा ही है, तो मैं इसी तरह से नाखून को कटिंग कर ली हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके नाखून को कटिंग कर लिया है, तो बहुत इजी तरीके से इस तरह से काट भी लेंगे और कहीं गंदगी भी नहीं होता है। तो चलिए मैं काट ली हूँ, अब मैं दिखाती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो देखिए एक हाथ में तो काफ़ी लंबा था लेकिन ये कि इसमें भी थोड़े थोड़े नाखून हो चुके हैं। मैं इसको भी चलिए थोड़ा थोड़ा इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने कटिंग कर लिया है, अब मैं टेप को निकाल देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे टेप में ही जितने नाखून हैं सारे चिपके हुए हैं, तो मैं आराम से निकाल के दिखा रही हूँ। जितने भी नाखून मैंने काटा हुआ है सारे इसमें चिपक चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप बच्चों को देते हैं तो इस तरह से नाखून कटर को देखिए इस तरह से
आप देख पा रहे होंगे ब्लैक है तो इसमें काफी इजली तरीके से दिख रहा है। नाखून सारे टेप में चिपक चुके हैं और कहीं भी नाखून नहीं गिरता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारे क्लोथ पिन को लेके है, कपड़े की चिमटी जो होती है उसको लेके है। तो सबसे पहले मैं इसमें डबल टेप लगा देती हूँ, डबल टेप लगा देती हूँ दोनों में एक एक। तो दोस्तों मैं इसका रिव्यूज बताऊंगी कि मुझे करना क्या है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें डबल टेप लगा देती हूँ। तो चलिए डबल टेप लग चुका है, अब मुझे करना क्या है मैं इसका रिव्यूज बताती हूँ कि मुझे कहाँ हैंग करना है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम कभी वाश बेसन में हाथ वगैरह धुलते हैं तो तौलिया की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है कि हम कहाँ हाथ को साफ करें या कहाँ से। तो देखिए इस तरह से आपको वाश बेसन के पास इस तरह से ही लगा देना है क्लोथ पिन और इसमें हैंग कर देना है रुमाल। तो देखिए इस तरह से रुमाल को हैंग कर देंगे तो जब भी हम हाथ धो के आएंगे तो हमें टावल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम हैंकी में इस तरह से अच्छी तरह से अपने हाथ के पानी जो है अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो दोस्तों अगला ट्रिक मेरा इस तरह से शीशे को लेके है। तो होता क्या है, इस तरह से जब हम मुंह वगैरह धोते हैं तो इस तरह से शीशे पे छींटे चले जाते हैं। हम कपड़े से साफ करते हैं या रुमाल से या बलयान से, तो दोस्तों कपड़े से साफ करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ईजी और आसान तरीका है इस तरह से पेपर से साफ कीजिएगा, बिल्कुल शीशा आपका क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल धब्बे धब्बे भी नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से मैंने कटोरी में पानी ले लिया है और मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। तो आप सोचेंगे इसमें मैं ऑयल क्यों डाल रही हूँ। तो दोस्तों आप जब तक वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। और दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गाँव से, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस शहर से। तो चलिए मैंने तेल डाल लिया है और तेल डालने के बाद मैं इसमें एक पाउच शैम्पू डाल देती हूँ। तो दोस्तों जब भी हम सिर को धोते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है, किसी कटोरी में या गिलास में 2 से 3 जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं उस तेल को इस तरह से गिलास में भर के पानी और 2 से 4 बूंद तेल डाल दीजिए, इस तरह से शैम्पू डाल दीजिए। और अपने बाल को जब भी हम वॉश करते हैं इस तरह से वॉश करेंगे तो आप देखिए जो हमारा बाल ड्राई रहता है, रूखापन रहता है, जो हार्ड रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट बाल आपको मिलेगा। तो यकीन नहीं हो रहा कि इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।